दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? व्हाट आर यू दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल है, लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। दोस्तों आप लोग क्वारंटाइन से तो आप लोग बखूबी रूबरू हो गए होंगे कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है क्या? एक जगह बंद रहना, एक जगह सील रखना, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल में वही क्वारंटाइन लागू होता है प्लांट के लिए भी। मीन्स कोई अगर प्लांट डिजीज कॉज कर रहा है या फिर डिजीज को स्प्रेड करने के लिए, नया डिजीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? क्वारंटाइन कर देते हैं। तो देखते हैं डिफिनेशन इसमें, व्हाट डू यू मीन बाई प्लांट क्वारंटाइन और व्हाट यू मीन बाई प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन। ओके, then plant quarantine can be defined as a legal restrictions. Okay, I have to select pen. Okay, then plant quarantines can be defined as the legal restriction on the movement of agricultural community for the purpose of exclusion, prevention or delay in the spread of plant pest and disease in uninfected area. Means kya ki quarantine karna hai? Quarantine means kya? Suppose abhi jaise hamara corona virus ka केस में क्वारंटाइन हो रहा है, मींस कि जो इस भी पेशेंट को डिजीज हो गया है, अब वो पेशेंट किसी दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर दे, किसी दूसरे के पास फैला नहीं दे, इसलिए उसको हम लोग वहां से उठा ले रहे हैं और क्वारंटाइन में डाल दे रहे हैं। मींस क्वारंटाइन में हम लोग उसको रख रहे हैं, उसको मूवमेंट करने के लिए रोक रहे हैं। कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए मूवमेंट है और वो क्या है? लीगल। लीगल मींस कानूनी रूप से, ठीक है, मतलब उसमें वो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट क्वारंटाइन उसी तरह होता है कि प्लांट अगर डिजीज को स्प्रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उस प्लांट पार्ट को हम या प्लांट को क्वारंटाइन कर देते हैं। ओके, इन स्ट्रिक्ट सेट प्लांट क्वारंटाइन रेफर टू द होल्डिंग ऑफ प्लांट्स इन आइसोलेशन अंटिल दे आर बिलीव टू बी हेल्दी। क्या प्लांट को होल्ड करना है किसमें? आइसोलेशन में। जब कब तक है? जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाए, ऐसा प्रतीत नहीं हो कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। उसी तरह हम लोग अभी क्या कोरोना के केस में क्वारंटाइन क्या कर रहे हैं? क्या बोला जा रहा है कि 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि 14 दिन में पेशेंट रिकवर हो जा रहा है, इसलिए हम उसको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रख रहे हैं, ठीक है। मींस एक बार कोई कोरोना पॉजिटिव है पाया गया, तो उसको दोबारा छोड़ने से पहले, क्वारंटाइन से छोड़ने से पहले हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, और जब तक कोरोना का नेगेटिव नहीं आ रहा है तब तक हम लोग उसको क्वारंटाइन में रख रहे हैं। उसी तरह प्लांट में भी, प्लांट अगर एक बार सस्पेक्टेड हो गया कि इसमें डिजीज है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? आइसोलेशन में रख देते हैं। और कब तक रखते हैं? जब तक कि ये नहीं हमको विश्वास हो जाए कि अब प्लांट हेल्दी हो गया है, ठीक है। अब लिटरल मीनिंग ऑफ, एक क्वेश्चन वाला पार्ट है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लिटरल मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन मीन्स है। तो लिटरल मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन मीन्स 40-day पीरियड। दोस्तों देखिए, इसको केस लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था कि क्वारंटाइन का मतलब होता है 14 दिन। कोरोना के आने से काफी कंफ्यूजन हो गया कि क्वारंटाइन का मतलब होता है 14 दिन, है कि 14 दिन तक क्वारंटाइन में रख रहा है इसलिए 14 दिन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वारंटाइन का लिटरल मीनिंग होता है 40-day पीरियड, मीन्स की एटलीस्ट उसको 40 दिन तक रखना है, ठीक है। बट कोरोना के केस में क्या है कि 14 दिन में सिम्टम डेवलप हो जा रहा है या फिर 14 दिन में सिम्टम डिसअपीयर हो जा रहा है, तो कोरोना केस में हम लोग क्वारंटाइन 14 दिन के लिए कर रहे हैं, उसको बाद में बढ़ाकर 21 दिन भी किया गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वारंटाइन का हिस्ट्री कि ये कहाँ, मतलब कब इस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट टाइम कब लागू हुआ था। तो सबसे पहले फ्रेंच फार्मर जो है वो क्या नोटिस किए कि व्हीट में रस्ट डिजीज हो रही है। क्या हो रही है? व्हीट में रस्ट डिजीज हो रही है, ठीक है। और वो रस्ट डिजीज कहाँ पे हो रही है? तो उसी व्हीट प्लांट में हो रही है जो बारबेरी बसेस के नजदीक है। वो व्हीट प्लांट जो बारबेरी बसेस के नजदीक है उसी व्हीट प्लांट में हो रही है, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच फार्मर्स नोटिस दैट व्हीट रस्ट वाज ऑलवेज मोर सीवियर ऑन व्हीट व्हिच आर नियरर टू द बारबेरी बसेस देन अवे फ्रॉम देम। मींस जो बारबेरी प्लांट के नजदीक है उस व्हीट प्लांट में रस्ट डिजीज ज्यादा सीवियरिटी में हो रही है एज कंपेयर टू वो जो दूर से हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये 1600 में, मिड 1600 में ऑब्जर्व किया गया, 1642-1650 के आसपास, ठीक है। उसके तुरंत बाद
1660 में एक लॉ पास कर दिया गया, ठीक है, और लॉ वाज इनेक्टेड इन रोमन फ्रांस ऑर्डरिंग द इरेडिकेशन ऑफ बारबेरी प्लांट फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ ग्रीनफील्ड। ये लॉ में क्या पास किया गया कि व्हीट फील्ड के आसपास जितने भी बारबेरी का प्लांट है वो सबको वहां से हटा दिया जाए, ये लॉ पास किया गया, ठीक है। देन इन 1860 फ्रेंच गवर्नमेंट प्रमुलगेटेड द फर्स्ट प्लांट क्वारंटाइन लॉ टू सप्रेस एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉमन बारबेरी विच आर द अल्टरनेट होस्ट फॉर व्हीट रस्ट। मीन्स 1860 में इन 1860 फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो क्या पास किए, प्लांट क्वारंटाइन लॉ पास किए हैं, जिसमें से क्या था कि बारबेरी प्लांट है जो कि अल्टरनेट होस्ट की तरह काम कर रहा था, मीन्स अगर व्हीट प्लांट नहीं है तो रस्ट पैथोजन बारबेरी प्लांट पे रहेगा, उसको प्रिवेंट किए, उसको रोका गया एक जगह से दूसरी जगह फैलने से। मीन्स बारबेरी प्लांट को हम कहीं से भी निकाल कर, कहीं से भी अपरूट कर और कहीं पर भी नहीं डाल सकते हैं, उसको हम डंप कर सकते हैं और बर्न कर सकते हैं ताकि रस्ट पैथोजन जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद इन 1866 द फर्स्ट ब्रिटिश लेजिस्लेशन अगेंस्ट अ डिजीज इन एनिमल और प्लांट वाज इनएग्रीगेटेड। फ्रांस के बाद ब्रिटिश लेजिस्लेशन में डिजीज के अगेंस्ट चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो प्लांट में हो इनेक्ट किया गया, पास है, और उसका नाम क्या दिया गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कैटल अफेक्टेड बाय रिंडर पेस्ट। मीन्स कैटल जितने भी रिंडर पेस्ट से अफेक्टेड थे उसके अगेंस्ट एक लेजिस्लेशन पास किया गया, ठीक है। देन इन 1873 एन इम्बेर्गो वाज पास इन जर्मनी। 1873 में इम्बेर्गो पास किया गया जर्मनी में टू प्रिवेंट द इम्पोर्टेशन ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट फ्रॉम द यूएस टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कोलोराडो पोटैटो बीटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कोलोराडो पोटैटो बीटल का पहले तो आप साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, क्या होता है, लेप्टिनोट्रासा डेसिमिलिनियाटा, ठीक है, लेप्टिनोट्रासा डेसिमिलिनियाटा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलोराडो पोटैटो बीटल का ओरिजिनल कंट्री, ओरिजिन ऑफ कंट्री कौन सा था, तो यूएस है, वहाँ से 1873 में उसको रोका गया, ठीक है। In 1877, United Kingdom Destructive Insect Act was passed to prevent the importation of Colorado beetles. उसके बाद 1877 में जर्मनी के बाद यूनाइटेड किंगडम में ये पास किया गया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एक्ट पास किया गया टू प्रिवेंट द इंपोर्टेशन ऑफ कोलोराडो बीटल, ओके। इन 1891 द फर्स्ट प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स वाज इनिशिएटेड इन यूएस बाय सेटिंग अप अ सी पोर्ट इंस्पेक्शन स्टेशन एट सैन पेड्रो कैलिफोर्निया। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको समझना ये है किसे किसी भी पार्ट को मूवमेंट करने के लिए, जैसे हम ही लोग मूवमेंट कर रहते हैं अगर, तो कौन कौन सा तरीका है, या तो हम रोडवे से बस से ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर हम एयरवेज एरोप्लेन से ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर हम जहाज से ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे गांव में क्या बोला जाता है, नाव से हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, हम लोग जहाज से ट्रेवल कर सकते हैं, समुद्री जहाज से एक दूसरे से एक जगह से दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, ठीक है, वन सिटी से दूसरे सिटी में जा सकते हैं। तो यूएस में 1891 में सी पोर्ट पे ऐसा इंस्पेक्शन करने के लिए लगाया गया, ताकि मान लीजिए कोई प्लांट को क्वारंटाइन करने के लिए सभी जगह व्यवस्था किया गया, अब कोई एयरवे से लेकर आ जा रहा है, कोई रेलवे से लेकर आ रहा है, अब इधर लगाया गया तो कोई समुद्र से लेकर आ जा रहा था, ताकि हम उस देश को बर्बाद कर सके, तो उसके लिए सी पोर्ट पे एक इंस्पेक्शन कमेटी लगाया गया, मीन्स इंस्पेक्शन स्टेशन फॉर्म किया गया, ठीक है। देन इन 1912 द यूएस कांग्रेस इनेक्टेड द फेडरल प्लांट क्वारंटाइन एक्ट विच अमंग अदर थिंग्स प्रोहिबिट द एंट्री ऑफ प्लांट इनटू यूनाइटेड स्टेट्स। मीन्स 1912 में यूएस कांग्रेस के गवर्नमेंट इनेक्ट किया कौन सा, फेडरल प्लांट क्वारंटाइन एक्ट, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसके बाद वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस समय 1912 में क्यों किया गया, क्योंकि फाइलोक्जेरा जो है वो एक्टिव केस में आ गया था, मीन्स जो कि एक इंटरनेशनल पेस्ट की तरह उभर के आ रहा है, तो इट वॉज फाइलोक्जेरा गोलॉस फाइलोक्जेरा वेस्टेट्रिक्स
दैट प्रोवाइड द इनिशियल स्टिपुलस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन प्लांट डिजीज लेजिस्लेशन। ठीक है, अब फाइलो वगैरह का हमको साइंटिफिक नेम याद रखना है कि फाइलो वगैरह वेस्टेस्टिक्स है। अब कहाँ से कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी याद रखना है कि फाइलो वगैरह वाज इंट्रोड्यूस इन टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका इन 1865 है, इन 1865 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि फाइलोगेरा जो है वो कहाँ से कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ से, अमेरिका से। ओके ठीक है, देन द फर्स्ट इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन द फाइलोगेरा कन्वेंशन वाज साइंड एट बर्न ऑन 3 नवंबर 1881। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग को ध्यान से एकदम 100% याद रखना है। ठीक है, फाइलोगेरा कन्वेंशन, फर्स्ट इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन फाइलोगेरा कन्वेंशन कब साइन किया गया और कहां पर साइन किया गया, तो एट बर्न साइन किया गया इन ऑन 3 नवंबर 1881। दोस्तों आप ये वीडियो को कंप्लीट देखें, इसमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लांट क्वारंटाइन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से। ठीक है, एक कोई सभी लेवल का एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि एक लेजिस्लेटिव है, मीन्स कानून के रूप से होता है, और दूसरा ये प्लांट डिजीज कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव मेथड है एंड इकोनॉमिकली है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रेप प्रोडक्शन इन फ्रांस ग्रेटली डिक्लाइंड ड्यू टू द फाइलोगेरा पेस्ट है। ठीक है, ग्रेप प्रोडक्शन जो है फ्रांस में वो रिड्यूस हो गया, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट आ गया, किसके कारण, तो फाइलोगेरा के कारण। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ, फ्रेंच गवर्नमेंट जो है एक रेगुलेशन पास किया इन 1913, पास्ड अ रेगुलेशन टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल फ्रॉम द अमेरिका। आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि फाइलोगेरा कितना सीरियस पेस्ट है कि अमेरिका से बनाना ग्रेप्स का प्लांटिंग मटेरियल ही रोक दिया गया कि अमेरिका से कोई सा प्लांटिंग मटेरियल हमारे यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अभी हमारा केस क्या है कि चाइना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, सभी देशों को चाइना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसको एक ही तरीका है कि हम लोग इकोनॉमिकली उसको हरा सकें, मीन्स उसको इकोनॉमिकली हम लोग कमज़ोर कर सकें। तो हम लोग क्या किए कि वहाँ से बिजनेस बंद कर दिए, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग बंद कर दिए हैं, वहाँ का हम लोग ऐप यूज नहीं करेंगे, वहाँ का हम लोग मोबाइल यूज नहीं करेंगे। अब सोचिए 140 करोड़ हम लोग हैं, उसमें से अगर 100 करोड़ जनता भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज करता है तो 80-90% लोग एमआई तो वीवो ओप्पो ये सब फोन यूज करता है। अब इतने जनसंख्या में एक बार अगर रिडक्शन होगी तो आप सोचिए कि मार्केट में उसका कितना इकोनॉमी कम होगा। इसी तरह फ्रेंच गवर्नमेंट जो है अमेरिका से क्या किया, 1933 में कोई सभी प्लांट आने के लिए बैन कर दिया कि नहीं कोई सभी प्लांट नहीं आएगा। ठीक है, देन आफ्टर फर्स्ट प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन पास इन फ्रांस मेनी कंट्री इन यूरोप फॉलो इन सक्सेशन टू रेगुलेट द इम्पोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल्स। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक है ये डोमेस्टिक लिखा हुआ है, ये इंटरनल लिखा हुआ है और ये टोटल इम्पायर लिखा हुआ है। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट क्वारंटाइन, दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट क्वारंटाइन लाइक दिस है। आप सोचिए इंटरनल का इंटरनेशनल भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल। अब डोमेस्टिक में क्या होता है कि हम लोग वन स्टेट टू अदर स्टेट है रोक सकते हैं, जैसे बिहार में हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बनाना होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ बनाना का कोई केस आ गया कि उसमें कोई डिजीज नहीं आ गया, जैसे TR4 अभी प्रचलन में है जो विल डिजीज कॉज करती है, अगर वो रिपोर्ट हो गया तो क्या होगा कि बनाना को एक्सपोर्ट यहाँ से दूसरे स्टेट में रुक जाएगा, मीन्स विद इन इंडिया फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इट कांट बी मूव है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन। इंटरनेशनल क्वारंटाइन क्या होता है कि हम लोग एक देश से दूसरे देश में नहीं भेज सकते हैं, लाइक हम लोग अमेरिका से इंडिया में नहीं ला सकते हैं, हम लोग चाइना से इंडिया में नहीं ला सकते हैं, हम लोग इंडिया से कहीं दूसरे जगह बांग्लादेश में नहीं भेज सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं भेज सकते हैं, पाकिस्तान में तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, वो हमारा कोई भी सामान यूज करने लायक नहीं है। ठीक है, देन ट्राइंग स्टोर्ड ग्रेन एंड फ्रूट्स है कि हम लोग को डिजीज कंट्रोल करने के लिए हम लोग को कितना परसेंट मॉइस्चर पे रखना रहता है,
कोई सा भी चीज कितना परसेंट मॉइस्चर पे हम लोग रखना रखता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीरियल सीड, सीरियल सीड को हार्वेस्ट करते हैं कितना पे, 13% मॉइस्चर पे। सीरियल सीड को दोस्तों ध्यान से समझेंगे, सीरियल सीड को हार्वेस्ट करते हैं कितना पे, लेस देन 13% मॉइस्चर से। सीरियल सूड हार्वेस्टेड एट लेस देन 13% मॉइस्चर है, बट स्टोर्ड एट, बट बट स्टोर्ड एट लेस देन, बट स्टोर्ड देन लेस देन 11%। दोस्तों हमने कल के पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि राइजोपस जो है वो सब्सेप्टेबल हो जाता है, मींस सब्सेप्टेबल कर देता है सीड को कितना परसेंट मॉइस्चर से बीज के बीच में, तो 11 से 14। इसलिए हम लोग सीरियल सीड को स्टोर करते हैं कब, कितना पे, लेस देन 11% पे, ठीक है। देन सीरियल सीड स्टोर एट टेम्परेचर ऑफ लेस देन 12% मॉइस्चर, लेस देन 11%, यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस देन 11%, ठीक है। देन लेग्यून सीड हार्वेस्टेड एट लेस देन 10% मॉइस्चर से। डाटा हम लोग को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, लेग्यून सीड स्टोर्ड एट लेस देन 8% मॉइस्चर, ठीक है। देन डिजीज कंट्रोल बाय रेफ्रिजरेशन, दोस्तों चिलिंग टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि हम लोग पैथोजन जो है इनएक्टिव हो जाता है, पैथोजन डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, तो उससे भी हम लोग डिजीज को रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेफ्रिजर यूज करते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज ऑफ फ्लेसी प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। फ्लेसी प्लांट प्रोडक्ट मीन्स लाइक नारंगी को हम लोग को करना है डीप फ्रीजिंग पे रख देंगे, डीप फ्रीजिंग नहीं, नॉर्मल फ्रिज पे भी रखेंगे तो अगर तो उससे क्या होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पैथोजन काम नहीं करता है। देन ऑरिजिन ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एग्रीमेंट है, देन ऑरिजिन ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एग्रीमेंट में देखिए पढ़ेंगे, ड्यूरिंग अर्ली प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन इनिशियली स्टार्टेड एज ए प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स क्या होता है कि खत्म करना, बंद करना। इन सिमिलर से इन 1878 फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग एट बर्न स्विट्जरलैंड अटेंडेड बाई फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इटली पुर्तगाल स्पेन एंड द आउटकम क्या आया इसका मीटिंग का, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मीटिंग जब 1878 में हुआ तो उसका आउटकम क्या आया, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मेजर टू बी टेकन अगेंस्ट फाइलोजेरा वेस्टेट्रिक्स है। दोस्तों हम बोल रहे हैं फाइलोजेरा वेस्टेट्रिक्स कितना सीरियस पेस्ट था, सीरियस पेस्ट था कितना, इससे हम लोग ये कर सकते हैं कि पूरे ग्रेप्स का जो है अमेरिका से रोक दिया गया इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इन 1914 फर्स्ट इफोर्ट टुवर्ड्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन वाज फर्स्ट इन 1914, ठीक है। फर्स्ट इफोर्ट टुवर्ड्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, कि प्लांट प्रोटेक्शन मीन्स एक अंतर्राष्ट्रीय मीन्स एक देश से दूसरे देश के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हम लोग को प्लांट प्रोटेक्शन के रूप में मेजर्स लेना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। इन 1990 यहाँ पे दोस्तों टाटा याद रखेंगे, इन 1990 50 कंट्री पार्टिसिपेटेड एंड फाइनलाइज इंश्योरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट्स, ओके। देन इन 1951 एफ ए ओ जो था वो स्पॉन्सर किया किसको, IPPCC इंटरनेशनल प्लांट प्रोडक्शन कन्वेंशन, इंटरनेशनल प्लांट प्रोडक्शन कन्वेंशन, ठीक है। देन इंडिया बिकम्स अ मेंबर इन 1952, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखना है कि 50 कंट्री जो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बट इंडिया कब मेंबर बना, तो इंडिया कब बना मेंबर, 1952 में, ठीक है। देन हिस्ट्री ऑफ प्लांट क्वारंटाइन इन इंडिया, में प्लांट क्वारंटाइन का हिस्ट्री कब है, तो क्या है, तो अवेयरनेस टू क्वारंटाइन मेजर्स इन इंडिया स्टार्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी के अर्ली में स्टार्ट हो गया था, व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट इन 1906 ऑर्डर्ड कंपल्सरी फ्यूमिगेशन ऑफ इंपोर्टेड कॉटन बेल्स टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन कॉटन बॉल वीवील। अब दोस्तों मैक्सिकन कॉटन बॉल वीवील का हमको इंटरमोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक नेम याद रखना है, क्या होगा, एंथोनोमस
ग्रैंडिस है, एंथोनोमस ग्रैंडिस है, ठीक है। कॉटन बेल्स को, कॉटन बेल को जो इम्पोर्ट किए थे उसको फ्यूमिगेट करना है। एक कंपलसरी रूल पास हो गया, कंपलसरी एक एक्ट पास हो गया कि जो भी हम कॉटन बेल को इम्पोर्ट करके लाए हैं उसको फ्यूमिगेशन करना ही करना है। इस क्यों करना है, तो टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन कॉटन बॉल वीवर एंथोनोमस ग्रैंडिस है, ठीक है। दोस्तों इतना हम लोग क्यों कर रहे हैं, किसे मतलब फॉरेन से या फिर कोई दूसरे देश से हमारे यहाँ कोई नया पेस्ट नहीं आ जाए, या फिर किसी भी देश में, एक देश से दूसरे देश में नहीं आ जाए। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम लोग नेचर में जानते हैं क्या कि नेचर में कंपटीशन होता है। नेचर में कंपटीशन जब होता है तो एक होता है पैरासाइट जो नेचर को बैलेंस करता है, नेचर को बैलेंस करता है, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सूटेबल होता है, जो कैपेबल रखता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो खा सके, इसको हम लोग इकोलॉजिकली बैलेंस बोलते हैं। तो वो अगर नया कोई ऑर्गेनिज्म चलाएगा तो उसके लिए कोई अवेलेबल पैरासाइट रहेगा ही नहीं, अवेलेबल नेचुरल पैरासाइट कोई रहेगा ही नहीं, तो उससे क्या क्या होगा, नंबर बढ़ते जाएगा और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वॉज पास इन, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वॉज पास इन 1914। देन इन 1946 प्लांट क्वारंटाइन प्रोसेसिंग ऑफ एग्जोटिक जर्म प्लांट इनिशिएटेड एट IRI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1946, बट नाउ मीन्स आफ्टर 1947 इट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन इन 1956 प्लांट क्वारंटाइन यूनिट इन द डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी एस्टैब्लिश्ड एट IRI न्यू दिल्ली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको इस पूरे स्लाइड में क्या याद रखना है, 1914 वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट पॉपुलरली नोन एज डीपा वाज पास इन 1914, ठीक है। देन याद रखना है क्या, NBPGR कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1976 है। व्हेन NBPGR वाज एस्टैब्लिश, तो आंसर इज 1976 है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है। देन प्लांट फ्रूट्स सीड्स है ऑर्डर इशूड अंडर डीपा एक्ट विज इन 1984, ठीक है। दोस्तों ये सब में इम्पोर्टेंट क्या है, 1976 इम्पोर्टेंट है कि NBPGR कब इस्टेब्लिश हुआ था, एक पॉइंट ए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर कब पास हुआ, तो 2003 व्हेन प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर वाज पास, तो इन 2003। देन डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1940 में क्या किया, क्या कहा गया, व्हाट इज द मीन बाय डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1940, तो इट इज एन एक्ट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन इनटू एंड द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन इंडिया ऑफ एनी इंसेक्ट फंगस और अदर पेस्ट व्हिच इज और मे बी डिस्ट्रक्टिव टू क्रॉप्स, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट में पावर्स टू मेक रूल दिया गया, इसमें पेनल्टी का रूल दिया गया, पावर क्या, पेनल्टी किसी को लगा सकते हैं, आप नया रूल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया, न्यू प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर कब आया, 2003 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्यों आया, टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ एग्जोटिक पेस्ट, टू सपोर्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, टू फैसिलिटेट सेफ ग्लोबल ट्रेड इन एग्रीकल्चर। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट में क्या आया था कि वन स्टेट से अनदर स्टेट में हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बट प्लांट क्वारंटाइन में क्या आया, हम लोग एग्जोटिक पेस्ट को रोकने, इंट्रोडक्ट होने से रोकने के लिए हम लोग प्लांट क्वारंटाइन ऐड किए गए। तो मीन्स कहाँ से, एग्जोटिक पेस्ट मीन्स कहाँ, एग्जोटिक पेस्ट मीन्स फॉरेन से, ठीक है। देन एजेंसी इन्वॉल्व इन प्लांट क्वारंटाइन, आप लोग ऐसे ही ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा, तो DPPQ है, डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, DPPQ कहाँ पे है, फरीदाबाद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, DPPQ इज सिचुएटेड एट फरीदाबाद। देन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च NBPGR कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, न्यू दिल्ली में, कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1976। देन क्रॉप स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR, हेड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन डिवीजन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट है। अब ये क्या हुआ, प्लांट क्वारंटाइन में एजेंसी कौन सा हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि बिहार में, हिमाचल प्रदेश से कोई प्लांट प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है,
तो उसको जांच कौन करेगा, उसको कौन जांच करेगा कि से इसमें डिजीज है या नहीं है। तो स्टेट का जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसके प्लांट पैथोलॉजी का हेड, प्लांट पैथोलॉजी प्लांट इंटमोलॉजी एग्रीकल्चरल इंटमोलॉजी का हेड जांच करेंगे, उनके अंडर में आएगा कि इसमें कोई डिजीज है या नहीं है। पेस्ट अगर है तो इंटमोलॉजी वाले करेंगे कि इसमें पेस्ट कोई है या नहीं है, ठीक है। एग्रोनॉमी वाले क्या करेंगे कि इसमें कोई वीड सीड्स है या नहीं है, ठीक है, मीन्स वीड इंट्रोड्यूस होने का चांस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लेवल पे एजेंसी होता है। देन डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इस्टेब्लिश इन 1946 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट किसके अंदर में हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन के अंदर में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कब, 2016 JRF, ठीक है। देन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा। हेड कौन सा है, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर। देन प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, तो नेशनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन कहाँ पे है, नेशनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन रंगपुरी न्यू दिल्ली में है। रीजनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन कहाँ पे है, तो अमृतसर में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है एंड मुंबई में है। वेयर इज द नेशनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन इज सिचुएटेड, आंसर इज न्यू दिल्ली। देन वेयर इज रीजनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन सिचुएटेड, आंसर इज अमृतसर, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। देर आर फोर रीजनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या हो जाता है कि हाउ मेनी नोटिफाइड पॉइंट्स ऑफ एंट्री, देर आर हाउ मेनी नोटिफाइड पॉइंट्स ऑफ एंट्री, तो देर आर 61 नोटिफाइड पॉइंट्स ऑफ एंट्री, ठीक है। सी पोर्ट पे 34 है, एयरपोर्ट पे 12, लैंड फ्रंटियर्स कितने हैं 14, देर हाउ मेनी देर आर लैंड फ्रंटियर्स, आंसर इज 14। देन 60 आर द इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एंड 11 आर द फॉरेन पोस्ट ऑफिस है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2019, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2019, ये हमारा डाटा है, ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग। ये चेंज होते रहता है दोस्तों, ये सब 14, 12, 34 जस्ट चेंज होते रहता है, तो 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में क्वारंटाइन मेजर्स जो है वो कितने पेस्ट के लिए लिया गया, इंडिया में कितने एग्जोटिक पेस्ट के लिए क्वारंटाइन लिया गया एंड कितने डिजीज के लिए लिया गया, तो इंडिया में टू इंसेक्ट पेस्ट के लिए क्वारंटाइन लिया गया, टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। एंड डिजीज के लिए, अब उसमें इंसेक्ट कौन सा है और डिजीज कौन सा है, तो इंसेक्ट कौन सा है, फ्लूटेड स्केल, आइशेरवा परचेरी, सेंजोस स्केल्स, क्वाड्रा स्पेडिटस, पेरिनिसियोसस, पोटैटो वार्ट, दीज आर द टू पेस्ट हैं, फ्लूटेड स्केल एंड सेंजोस स्केल्स हैं एंड दीज आर द थ्री डिजीज है। फर्स्ट वन इज पोटैटो वार्ट कॉज बाय सिंकाइट्रियम इंडोबैटिकम, सेकेंड वन इज बंची टॉप ऑफ बनाना बीबीटीवी, इट इज कॉज बाय वायरस बीबीटीवी। देन थर्ड वन इज मोजैको बनाना मोजैक वायरस है, देन थर्ड वन इज बनाना मोजैक वायरस का मोजैक डिजीज इन बनाना, ओके। दीज आर द लिस्ट ऑफ प्लांट डिजीज विच हैज बीन इंट्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड है, मीन्स कहाँ से कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, इन किस कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है और फ्रॉम कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आपको बता दें एक बार हम कौन सा, कॉफी रस्ट है, कॉफी रस्ट दोस्तों इसमें से एग्जाम में पूछा हुआ है, कॉफी रस्ट हिमेलिया फेस्टेटिक्स कहाँ से कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, कब हुआ, तो अफ्रीका एंड एशिया से ब्राजील में इंट्रोड्यूस हुआ 1970 में। दो चार बार पढ़ेंगे दोस्तों तो याद हो जाएगा, दीज आर द लिस्ट है सब। तो आप लोग सभी पहले इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो कॉजल ऑफ सभी का याद कर लेंगे, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप इज नोन एज कॉज बाय अनसिलुना निगेटर्स, ग्रेप फाइलोजेरा फाइलोजेरा विटीफोलिए, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स प्लाज्मोपोरा विटीकोला, गोल्डन नेमाटोड पोटैटो हेट्रोडेरा रोस्पोचेनेंसिस एटसेट्रा, ठीक है। देन प्लांट क्वारंटाइन मेथड, हाउ मेनी मेथड्स देर आर इन प्लांट क्वारंटाइन, तो देर आर डिफरेंट प्लांट क्वारंटाइन मेथड लाइक कंप्लीट इम्बेरगो। कंप्लीट इम्बेरगो मीन्स क्या होता है कि टोटल रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग कहीं से कुछ भी मूवमेंट करा ही नहीं सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट इम्बेरगो। अब देखिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व्स एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन और एक्सक्लूशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट फ्रॉम अ
कंट्री इन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड विद हाईली डिस्ट्रक्टिव पेस्ट और डिजीज दैट कुड बी ट्रांसमिटेड बाय द प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ये आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन और एक्सक्लूजन। ठीक है, देन पार्शियल एम्बार्गो, पार्शियल एम्बार्गो में क्या होता है कि सर्टेन कंडीशन में अलाउ रहता है, लाइक पार्शियल एम्बार्गो, पार्शियल एम्बार्गो अप्लाइंग व्हेन पेस्ट और डिजीज ऑफ क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस टू एन इंपोर्टिंग कंट्री इज नोन टू अकर ओनली इन वेल डिफाइंड एरिया ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड एन इफेक्टिवली ऑपरेटिंग इंटरनल प्लांट क्वारंटाइन सर्फेस है। ठीक है, मीन्स कि किसी भी देश के पार्टिकुलर डिफाइंड एरिया में डिजीज नोन है, वहां पे पूरे कंट्री में नहीं है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इफेक्टिवली इसको मैनेज कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट एट एनी पॉइंट, इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इट इन्वॉल्व्स द इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ गिवन कम्युनिटी व्हेन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ कंट्री वेयर पेस्ट और डिजीज ऑफ क्वारंटाइन इंपोर्टेंस ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री इज नोन टू अकर, मीन्स कि इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट एट पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ पे। अब मान लीजिए कि हम अमेरिका से कोई चीज ला रहे हैं, कोई सा प्लांट प्रोडक्ट ला रहे हैं या फिर प्लांट मटेरियल ला रहे हैं यहाँ पे लगाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अपना एम्बेसडर जो होता है, फॉरेन एम्बेसडर जो होता है, उसको हम लोग प्लांट क्वारंटाइन का एम्बेसडर जो है वहाँ पे उसको भेजेंगे और वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कहीं ये नया डिजीज और पेस्ट इंट्रोड्यूस कराने वाला तो नहीं है। ठीक है, और उस तरह से हम लोग उसको क्वारंटाइन कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एट पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट इन्वॉल्व्स प्री इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एट पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड थर्ड वन इज इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट एट पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन क्या करते हैं कि पहले इंस्पेक्शन किए फिर ट्रीटमेंट किए, अब हमको लगा ऐसा कि हाँ ये ट्रीटमेंट करने के बाद ये सही हो गया है तो हम लोग उसको सर्टिफाइड कर सकते हैं कि हाँ इट इज नाउ सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट है। ठीक है, इट इज नाउ फिट फॉर एक्सपोर्ट है। देन इंस्पेक्शन एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, इट इन्वॉल्व्स इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल्स इमीडिएटली अपॉन अराइवल एट द प्रिस्क्राइब्ड पोर्ट ऑफ एंट्री। ठीक है, मीन्स अब जहाँ पे हम एक तो उस कंट्री में जहाँ पे ओरिजिन था, जहाँ से हम लोग ला रहे थे वहाँ पे इंस्पेक्शन किए, अब हम लोग इंडिया का या फिर किसी भी देश का जहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसके बॉर्डर में ही इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, ये बीच में कहीं ट्रीटमेंट दिया हुआ खत्म तो नहीं हो गया है, इट इज नाउ फिट फॉर प्रोपगेशन और नॉट, इट इज नाउ फिट फॉर कंजप्शन और यूज इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस और नॉट, इसको हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे और उसको हम लोग उसके बाद अलाउ करेंगे कि हाँ अब आप ले सकते हैं, और अगर नहीं सुटेबल रहेगा तो हम उसको क्वारंटाइन कर देंगे। देन यूटिलाइजेशन ऑफ पोस्ट एंट्री प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटी, इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ इंट्रोड्यूस प्लांट प्रोपगेटिंग मटेरियल्स अंडर आइसोलेटेड और कन्फाइंड कंडीशन। मीन्स क्या होता है कि इंट्रोड्यूस प्लांट प्रोपगेटिंग मटेरियल को हम लोग आइसोलेटेड कंडीशन में लाइक ग्लास हाउस बना दिए, उसके जैसा टेम्परेचर चाहिए और वहाँ से हम लोग कंप्लीट मूवमेंट उसको रोकेंगे, एक ही आदमी जाएगा उसको इंस्पेक्शन करेगा, जो भी जरूरत रहेगा, जो भी चीज अप्लाई करने की जरूरत रहेगा, मान लीजिए फर्टिलाइजर देना है, इरिगेशन देना है, कुछ भी देना है तो उसको हम पर्टिकुलर चीज ही देंगे और उसी पर्टिकुलर आदमी के द्वारा देंगे और उसको हम लोग क्वारंटाइन के रूप में रखेंगे और आइसोलेशन में रखेंगे। ओके, देन प्रोहिबिशन फ्रॉम द सर्टेन एरिया, अब देखिए इसमें कोकोआ जैसे नेम ऑफ द प्लांट है, ये हमारा जो कुछ प्लांट पार्ट है वो प्रोहिबिट कर दिए हैं कि हमारा इस देश से नहीं आएगा। अब वो कौन कौन सा प्लांट पार्ट है, तो कोकोआ, कोकोआ एंड ऑल स्पाइसेस ऑफ एस्ट्रुसिलेरेसी फैमिली, एस्ट्रेसुलियसी फैमिली में कोकोआ एंड एस्ट्रेसुलियसी फैमिली का सारा चीज हम लोग प्रोहिबिट कर देंगे। कहाँ कहाँ से, तो अफ्रीका से, श्रीलंका से, वेस्ट इंडीज से। ठीक है, सेकेंड वन कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स में अफ्रीका से हम लोग प्रोहिबिट करेंगे, साउथ अमेरिका से, श्रीलंका से, रबर साउथ अमेरिका से, वेस्ट इंडीज से, शुगर केन ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से, पापुआ न्यू गिनी से, ओके, सनफ्लावर अर्जेंटीना से एंड पेरू से, तो ये हम लोग प्रोहिबिट करेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स, इट विल हाईली यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ICER, JRF एंड SRF एग्जामिनेशंस। धन्यवाद।